हाय दोस्तों, आप सभी के बीच में मैं पंकज दुबे और अमृता जौनपुरिया ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि हम कहां पे आए हुए हैं, तो हम बताना चाहते हैं आपको, हम अपने पाही पे आए हुए हैं ट्यूबवेल पे। और इस समय गर्मी का सीज़न तो चल ही रहा है और धान के खेतों को तैयार किया जा रहा है किसानों के द्वारा, क्योंकि हमने जराई तो डाल दी है। धान का बेहन गोपी गोल्ड लेके आए हैं, जो कि पतला धान होता है, खाने में भी अच्छा होता है। पिछले साल भी भाई साहब ने हमारे यही लगाया था, इस साल भी हमने वही लगाया है और लगभग अगले महीने में जाके जो है धान की रुपाई चालू हो जाएगी। उसके लिए हम अपने खेतों की तैयारी कर रहे हैं। तो लगभग जो है इधर से देख सकते हैं आप, पेड़ के नीचे से उधर से पूरा जो है खाद हमने ले आके फेंका था ट्रैक्टर से, तो उसको हमने खाद को पूरा हर तरफ जो है छिड़का दिया है, ताकि जो है खाद जो है हर खेतों में पहुँच जाए लगभग सभी जगह पर, ताकि हम जब उसकी जुताई कराएं तो खाद जो है पूरा खेतों में मिल जाए। तो मिलने के बाद उससे उर्वरक शक्ति उसकी बढ़ेगी और खेतों की मजबूती होगी और जो फसल भी हमारी होगी काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि डाई यूरिया से अच्छी होती है देसी खाद। और देसी खाद अगर आपके घर उपलब्ध है तो जान लीजिए अति उत्तम है, खेतों की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है और खेत की